ये देखिए कुछ प्लांट्स ऑलरेडी मैंने ग्रो किए हुए हैं। ये डेवल्स बैकबोन प्लांट मैंने कप में ग्रो किया हुआ है। ये कोलियस प्लांट्स तो हैं, ये मैंने मग्स में लगाए हुए हैं। और ये मेरे पास दो मग्स हैं, तो मैं इनमें जो है वो अब प्लांट्स लगाने का सोच रहा था। कप में मग में जो है वो मिट्टी फिल करने से पहले जो है हम कुछ स्टोन्स ऐड करेंगे। ये स्टोन्स हैं मेरे पास, मोटी बजरी जो होती है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मग में मिट्टी ऐड कर ली है मैंने, ये देखें नॉर्मल गार्डन सॉइल जो हम नॉर्मल प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने इसमें फिल कर दी है। अभी हम क्या करेंगे कि ये स्पाइडर प्लांट है, ये मैं इसमें लगाना चाह रहा हूँ। इसको हम सेंटर प्लेस करेंगे इस तरह से, और इसकी साइड से थोड़ी सी मिट्टी जो है वो हम और ऐड कर देंगे। एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है प्लांट लगाते हुए, कि इसके जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है इसको आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि इसी जगह से इसकी नई शूट्स निकलनी होती हैं, नए लीव्स निकलने होते हैं। अगर आप इस जगह को ज़्यादा प्रेस करेंगे तो इसकी जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे। पहली दफ़ा में आप ज़्यादा पानी देंगे, और उसके बाद जो है वो आप ज़्यादा पानी इस प्लांट को नहीं देंगे। एक तो ये इंडोर प्लेस होगा इस वजह से, दूसरा जो है इसके नीचे ड्रेनेज होल नहीं होगा, तो इसलिए पानी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो, सरफेस एरिया इसका बिल्कुल ड्राई हो और आपको फील हो कि अब इसे पानी की ज़रूरत है, तो आप इसे पानी दें।